मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नवा। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया रखा क्या है। अपने पहले इश्क के मुतालिक कुछ बताए ला हूं तेनू दसा, मैं पहला इश्क 18 दराइया इश्क किता सी, नक्शे फरियादी की सारी नज़में उसी इश्क में लिखी थी, लेकिन उसे जिंदगी में हासिल क्यों नहीं किया। हिम्मत कब होती थी उस वक्त जबान खोलने की, फिर उसका ब्याह किसी डोगरे जागीरदार के साथ हो गया। दूसरा इश्क मैंने उसके 10 साल के बाद किया एलिस से, जो अब आपकी बीवी है। हाँ, फिर सनासा एक छोटी सी लड़की थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। बाद में पता चला कि वो लड़की नहीं, एक हसास औरत है। मैंने फिर इश्क की गहराई देखी, फिर उसने किसी पुलिस अफसर से ब्याह कर लिया, डर से घबरा गई। एक तुम्हारी नज्म है जिसमें तुम रकीब से मुखातिब हो, तुमने देखी है वो पेशानी वो रुखसार वो होप, ये उसी के बारे में थी। नहीं, ये तो पहले के बारे में थी जिसके खातिर नक्शे फरियादी की नज्में लिखी। फिर जब जेल में था तो कान में बड़ी तकलीफ हुई तो अस्पताल ले जाया गया, वहां एक नर्स होती थी, उसने मुझसे बेपनाह इश्क किया। जेल से याद आया कि वहां कई पुलिस अफसर भी थे जो दिन में मुझ पर मुकदमे की कार्रवाई करते थे और रात को मेरी नज्में गुनगुनाया करते। ये होती है शायरी की ताकत। अच्छा ये बताओ कि एलिस को, यानी उनकी बीवी को, ये बताओ कि एलिस को तुम्हारे इन मुआशकों का इल्म है? हां, असल में वो मेरी बीवी नहीं, दोस्त है, इसलिए जिंदगी चल सकी है। इश्क में बहुत दर्द होता है जबकि दोस्ती में सुकून होता है। फैज ने अपनी घनी पलकें उठाई और संजीदा होकर कहा, अब मैंने फैसला कर लिया है कि मजीद इश्क नहीं करूंगा, अलबत्ता दोस्ती करूंगा अगर कोई दोस्ती करने के काबिल हो।